फाइनली आज रॉ का एपिसोड एंड हो चुका है जिसमें काफी कुछ देखने को मिला। अब इस एपिसोड के बाद क्यों ऐसे रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं कि बॉबी लेशली ब्रॉक लेसनर को रिप्लेस कर रहे हैं, वहीं बात करेंगे रसलमेनिया 37 के स्टेज के बारे में और क्यों हर्ट बिजनेस को स्प्लिट करना पड़ा, सबको कवर करेंगे वो भी डिटेल्स में। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। शुरुआत करते हैं रसलमेनिया 37 इवेंट की अपडेट से। जैसा कि इस इवेंट में बस 10 दिन का टाइम बचा है जो कि 10 और 11 अप्रैल को होने वाला है। अब लास्ट ईयर जो कुछ पूरे वर्ल्ड में हुआ उसके लिए कोई भी तैयार नहीं था, शायद इसलिए ही रसलमेनिया 36 में वो चकाचौंध नहीं देखने को मिली जो होनी चाहिए थी। बट अब WWE इस इवेंट के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड है। हालांकि इस साल भी कोविड की वजह से इवेंट उस लेवल का नहीं हो पाएगा जैसा कि इस इवेंट का लेवल होता है। अब इस इवेंट में बड़ी ही शानदार स्टेज डिजाइन देखने को मिलने वाली है जिसमें बताया जा रहा है कि पायरेट्स ऑफ कैरेबियन टाइप शिप देखने को मिल सकता है। लुक वाइज पूरे शो की जान होगा। अब ऐसा डिजाइन दिखेगा तो हो सकता है कि कोई सुपरस्टार उसको लड़ने भिड़ने के लिए भी यूज करते हुए दिखाई दे जाए। अब बात कर लेते हैं हर्ट बिजनेस के बारे में। पिछले काफी महीनों से रॉ ब्रांड पर इस ग्रुप ने धूम मचाई हुई थी। मेरा मतलब है कि अपने सामने आने वाले हर सुपरस्टार को यह ग्रुप मसल के रख देता था। इस ग्रुप की यही खासियत थी। अब लास्ट वीक जब शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर ड्रू मैकइंटायर के खिलाफ 2-on-1 हैंडीकैप मैच हार गए थे, उसके बाद शायद MVP ने इस ग्रुप से इन दोनों को निकालने का फैसला कर लिया था। अब इसके पीछे बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि WWE बॉबी लेशले को बड़े हील के तौर पर दिखा रही है, बट वो चाहती है कि बॉबी लेशले इंडिविजुअल दिखाई दें ताकि फैंस को ये ना लगे कि कोई उनके पीछे है जो उन्हें बैकअप दे रहा है। वहीं बॉबी लेशले WWE चैंपियनशिप पिक्चर में दिख रहे हैं और इस ग्रुप में रहते हुए शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर को उनके साथ बुक करने में काफी मुश्किल हो रही थी। वहीं हो ये भी सकता है कि WWE हर्ट बिजनेस में कोई और सुपरस्टार को ऐड करे, शायद इसलिए ही शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर को इस ग्रुप से हटा लिया गया हो। वहीं कुछ रूमर जैसे भी आ रहे हैं कि रसलमेनिया के लिए शेल्टन बेंजामिन और सेड्रिक अलेक्जेंडर बैन है, तो कहीं ये हर्ट बिजनेस की चाल तो नहीं, मतलब कि ये कहीं अलग होने का दिखावा तो नहीं कर रहे हैं। अब वीडियो में आप यहां तक आ गए हैं और वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं करा है तो सोच क्या रहे हैं, लाइक फटाफट से करिए फिर आगे बढ़ते हैं। वहीं बात कर लेते हैं बॉबी लेशले और ब्रॉक लेसनर के बारे में। क्या वाकई बॉबी लेशली धीरे धीरे ब्रॉक लेसनर को WWE में रिप्लेस कर रहे हैं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर लास्ट ईयर रसलमेनिया 36 के बाद से नहीं दिखाई दिए हैं, ना ही WWE ने आज तक उनको लेके कुछ क्लियर करा है, मतलब कि वो कंपनी में है या नहीं कुछ भी नहीं। अब एक साल बहुत लंबा टाइम होता है। वहीं ब्रॉक लेसनर छोटे मोटे सुपरस्टार नहीं है, वो अपने दम पर फैंस को खींचने के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं हो सकता है कि WWE और ब्रॉक लेसनर के बीच कुछ बातों की वजह से चीजें फाइनल नहीं हो पा रही हो, इसी वजह से WWE ने डिसाइड करा हो कि ब्रॉक लेसनर की कमी फैंस को ज्यादा ना कले, इसलिए पिछले काफी टाइम से बॉबी लेशली रॉ ब्रांड पर काफी डोमिनेट दिखाई दे रहे हैं। अब फैंस को आइडिया नहीं था कि बॉबी लेशली का एक रूप ये भी हो सकता है जो अब तक फैंस के सामने नहीं आया था। जैसा कि बॉबी लेशली अपने अपोनेंट्स के साथ दिखाई देते हैं, ऐसा ही ब्रॉक लेसनर करते आए हैं। रिंग में एग्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन और मारते टाइम जबरदस्त स्वेट आना, ये फैंस ने अब तक ब्रॉक लेसनर के साथ होता हुआ देखा था, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि WWE को बॉबी लेशले के रूप में ब्रॉक लेसनर का रिप्लेसमेंट मिल गया है। वैसे भी ब्रॉक लेसनर और बॉबी लेशले के बीच काफी चीजें सिमिलर हैं, चाहे फिर वो रेसलिंग स्टाइल हो, बॉडी हो, मूव्स हो और भी बहुत कुछ। अब मुझे लगता है दोनों ही अलग सुपरस्टार हैं और WWE चाहे कुछ भी कर ले, ब्रॉक लेसनर की जगह कोई नहीं ले सकता। दोनों का अपना अपना स्टाइल है, दोनों अपनी अपनी जगह बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि WWE में कोई भी सुपरस्टार किसी सुपरस्टार की जगह नहीं ले सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। पसंद आया तो लाइक और शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल के सब्सक्राइब बटन पे हर्ट लॉक F5 लगा के चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।